नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, हमारी शिक्षा नीति जो प्रारंभ में थी, उसकी शुरुआत खुद से हुआ करती थी, स्वयं से, कि पहले आप स्वयं को जानो, उसके बाद संसार को जानना। अभी शायद हम संसार को तो बहुत जानने के पीछे भागते हैं, लेकिन खुद को क्या हमने जाना है, पहचाना है। और ये सत्य है मित्रों कि जब तक हमने खुद को नहीं समझा है, खुद को नहीं जाना है, तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति, सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा भी इसीलिए थी, चाहे स्वामी दयानंद हो, वो बिरजानंद जी के पास इसीलिए गए कि मैं बाहरी ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं खुद को जानना चाहता हूँ। विवेकानंद जी भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास इसीलिए गए कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ। हम भी स्वयं को जानें, तभी हम सच्चे सुख की ओर बढ़ पाएंगे। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। नमस्कार, हम अपने आप को, स्वयं को जितना अच्छी तरह से समझेंगे, उतना ही सुखी रहना सहज हो जाएगा। जीवन में सुखी रहना क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हम अपनी विशेषताओं को, अपनी क्वालिटीज को नहीं समझते हैं। हम अगर भीतर देखें कि हमारे अंदर भी बहुत सी विशेषताएं हैं, और उनको अगर हम पहचानना शुरू कर दें, तो हम अपने जीवन में सुखी रह पाएंगे। परमात्मा ने ये जीवन हमें अनमोल उपहार दिया है, और उस उपहार की वजह है कि हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति, आत्मज्ञान, वो सबसे बड़ी पूंजी है सुखी रहने की। और अगर हम रोज प्रातःकाल सुबह उठते ही अपनी विशेषताओं को देखें और दूसरों की विशेषताओं को भी देखें, तो हमारे जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। तो आइए आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं कि जब सुबह उठें तो अपनी विशेषताओं को भी देखें और मुस्कुराएं। ये खुश होना ही जीवन को सुखी बनाने का मंत्र है। ओम शांति। तो मित्रों, खुद को प्रकाशित कर लें तो जीवन आनंदित रहेगा और तनाव से मुक्त रहेंगे, जो आजकल आम सी बात हो गई है। कई प्रकार के तनाव की चर्चा हम करते हैं कि इसके कारण तनाव हो रहा है, उसके कारण तनाव हो रहा है, ये परिस्थिति है, वो बात है, पास्ट का, फ्यूचर का, कई प्रकार का। लेकिन एक और भी अलग प्रकार का तनाव है मित्रों, वो है ट्रैफिक में फंस जाने के बाद होने वाला तनाव। 10 महानगरों में किए गए सर्वे के अनुसार 56% भारतीयों ने ये माना कि ट्रैफिक जाम के कारण हम रोड रेज के शिकार हो जाते हैं। हम ट्रैफिक पुलिस पर भी चिल्ला पड़ते हैं और साथ ही लोगों के साथ भी लड़ पड़ते हैं। और 20% भारतीयों ने ये माना कि ये ट्रैफिक जो जाम होता है, वही हमारे गुस्से और तनाव का कारण है। तो कैसे इसे हम हैंडल करें, आज डॉक्टर गिरीश पटेल जी इस पर ही सुंदर टिप्स हमारे लिए लेकर आए हैं। नमस्कार। बड़े शहरों में हर व्यक्ति के सामने यह समस्या जरूर कभी न कभी आई होगी कि वह व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाता है। उसको कहीं पहुंचना है, परंतु ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि उसे लगता है कि अभी मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो तब अधिकतर हम पैनिक होते हैं, कई लोग तो गुस्सा भी करते हैं, ट्रैफिक को भी कोसते हैं, ट्रैफिक पुलिस को कोसते हैं, रास्ते के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो ऐसे में मन का संतुलन कैसे रखे? सबसे पहली तो बात है कि सामने वाले को सूचित करो, क्योंकि अब सबके पास मोबाइल फोन है, कि यह कारण से मुझे लेट हो रहा है। दूसरा, अगर वो ट्रैफिक को क्लियर करने में सचमुच आप कुछ कर सकते हैं तो करिए,
कई बार हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तीसरा है कि उस समय कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो। आजकल तो देखो बहुत कुछ हमारे पास होता है कि जिससे कोई आपके लेक्चर से आदि उसको आप सुन सकते हैं। चौथी बात है कि आगे का कुछ प्लानिंग करिए। और पांचवा है कि इससे सबक सीखिए, क्योंकि ये संभव है कई बार, तो सचमुच उससे आप सबक सीखिए कि मुझे जल्दी निकलना चाहिए, चाहे वहां जाकर के फिर भले मैं रिलैक्स करूंगा, वहां जाकर के मैं और कुछ प्रोडक्टिव काम करूंगा, परंतु रास्ते में अटक गया तो हो सकता है कि सामने वाला आपके एक्सक्यूज को स्वीकार भी न करे। तो इसलिए बहुत बड़ा सबक स्वीकार करिए, सबक को सीखिए। ओम शांति। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक सिद्धांत है कि यदि मन कमजोर है तो वो तनावग्रस्त होगा, और यदि मन सबल है तो वो आनंदित रहेगा। लेकिन $100 क्वेश्चन इज कि कैसे हम अपने मन को सबल बनाएं, और यही कार्य अध्यात्म करता है, जिस स्वयं की बात हम शुरुआत में कर रहे थे। जब हम अपने अंदर जाते हैं तो पहचान पाते हैं कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां समाहित हैं, कितनी योग्यताएं समाहित हैं, कितनी काबिलियत है मेरे अंदर। जब उसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जब उसे हम परख पाते हैं, जब वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं, तो कार्यों को हैंडल करना आसान हो जाता है, फिर तनाव दूर हो जाता है और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। और यही सुंदर अनुभव करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, और जिसे वो शेयर करते हैं जब ब्रह्मा कुमारी इसके मंच पर आते हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। I am always positive. Always. Yes. I see everywhere quite good. I envy nobody. The most important thing there that the future of man is very good. The cycle of process is not going back. In the meeting, so many people say that soul is immortal. I feel even body is also immortal. Quite different. Because my body will be changed. It is not perished. It will be transformed to water, transformed to soil. The path of progress is not straight. There is a dialectical process. Right. You go two step, come back one step, but you have progressed one step. I take that positive thinking here. All Brahma Kumaris and Kumars, they are having a positive thinking. They know how to smile. And Mahatma Gandhi said at the time that there is enough food for entire mankind, but this is not enough to meet one's greed. Here I have seen that everybody seems to be happy. Simply I have seen here good idea, positive idea. I feel it very nice. मित्रों, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मना रहा है। सचमुच ये हर एक भारतवासी का उत्सव है, उन्हें याद करने का एक पर्व है, अवसर है, जिनकी बदौलत हमने आजादी प्राप्त की, जिनकी बदौलत देश आज इस स्थान पर है जहां हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। रेडियो में भी, टेलीविजन में भी आप देखते और सुनते रहते होंगे उन महापुरुषों के बारे में। ब्रह्मा कुमारीज भी मित्रों सरकार के साथ मिलकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज का मानना है कि बाह्य विकास के लिए तो हम अलग अलग परियोजनाएं करते रहते हैं, लेकिन आंतरिक विकास की भी बहुत बहुत ज़रूरत है। अंदर मूल्यों का होना, गुणों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान बनना बहुत बहुत ज़रूरी है।
अध्यात्म का नींव हमारा मजबूत हो उसकी बहुत बहुत जरूरत है। और यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारी इस सुंदर उत्सव को अध्यात्म के रंग में रंग रही है और इसे आजादी के अमृत महोत्सव के साथ स्वर्णिम युग की ओर ले चलने के लिए प्रयासरत है। एक ऐसा ही आजादी के अमृत महोत्सव की सुंदर लॉन्चिंग हुई डिवाइन रिट्रीट सेंटर भुवनेश्वर में, जिसका उद्घाटन किया उड़ीसा के गवर्नर माननीय गणेशी लाल जी ने, माउंट आबू से पधारी हुई उषा बहन जी ने और साथ ही लीना बहन जी जो भुवनेश्वर सब जोन की प्रभारी है। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में इसकी सुंदर एक झलक। ओडिशा के राज्यपाल महामहिम प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने भुवनेश्वर हरिदमदा गांव के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। डिजॉल्विंग और मर्जिंग इन द साउंडलेस साइलेंस, जैसे ही हम शांत रहते हैं ऊपर वाला आपके बीच में आके बैठ जाता है। कार्यक्रम में माउंट आबू राजस्थान से राजयोगिनी बी के उषा दीदी, जितना जितना स्मृति स्वरूप होकर के रहेंगे तो उस अनुभूति में समाते जाएंगे। लोकायुक्त के सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वयं, खंडपारा के विधायक श्री सौम्य रंजन पटनायक और ओडिशा के पूर्व सूचना आयोग श्री जगदानंद जी उपस्थित हुए। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम के उद्देश्य की सराहना की, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से मानवता के लिए करुणा और दया की भावना पैदा करके सभी आत्माओं की सच्ची मुक्ति लाना है, ताकि प्रबुद्ध आत्माओं का ऐसा जनसमूह भारत को विश्व शांति और मित्रता का अग्रदूत बना सके। इस कार्यक्रम में लगभग 3,000 भाई बहनों ने भाग लिया जो ओडिशा के विभिन्न हिस्सों से आए थे। राउरकेला की युवा बहनों ने नृत्य कर सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनोरंजक बनाया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मा कुमारी भुवनेश्वर उपक्षेत्र प्रभारी बी के लीना ने किया। मित्रों, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचा, बोला, मुझे जिनसे बहुत प्यार था, मेरे निकट संबंधी जिनके लिए मैं बहुत कुछ करता था, उन्होंने मुझे हर्ट किया। गुरुजी ने कहा, तुम अपने निकट संबंधियों के साथ तो पूरा जीवन रहे हो, उनके साथ बैठे हो, बिताए हो, मुझे ये बताओ भगवान के साथ कितनी देर बैठे हो। उन्होंने एक बहुत सुंदर पते की बात कही, इंसान की फितरत है कलयुग में हर्ट करना और परमात्मा का कार्य है हील करना। और एक बहुत सुंदर सा स्लोगन इसी से जुड़ा हुआ है मित्रों, मैन गेट्स गेट्स एंड फॉरगेट्स एंड गॉड गिव्स गिव्स एंड फॉरगिव्स। कितनी अच्छी बात है ना। हम भी क्यों ना थोड़ी थोड़ी देर जो हमें हील करने वाला है, हमें क्षमा करने वाला है, हमें जीवन में शिखर की ओर ले चलने वाला है, उसके करीब बैठें, उसे निहारें, तो जीवन आनंद से भी भरेगा और सफलता की ओर हम आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।